अगर आपके पास में भी कोई ऐसा एक स्मार्टफोन पड़ा हुआ है जो कि काफी पुराना है, आप उसको बेचने का सोच रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि उसमें अब नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको मिलना बंद हो गए हैं या फिर उसके जो फीचर्स हैं वो नए फोन्स के जैसे नहीं है, तो यार आप उसको बेचो मत, आप उसको एज अ सिक्योरिटी कैमरा भी यूज कर सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आप अपने स्मार्टफोन को जो कि पुराना है, आप उसे यूज नहीं करते हो, कैसे एक सीसीटीवी कैमरा में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट रहने वाला है, अगर आपके पास में कोई पुराना फोन है तो आप उसको किसी अच्छे काम में लगा सकते हो। तो बिना ज्यादा टाइम गए आपको सारी चीजें बता देता हूँ कि आपको करना है और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको लेना है आपका पुराना वाला स्मार्टफोन जिसको आप यूज नहीं करते हो। अब जाहिर सी बात है आप उसको अपना सीसीटीवी कैमरा बनाना चाहते हो तो इसका मतलब आपका जो स्मार्टफोन है वो हमेशा ऑन रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले कोई ऐसी लोकेशन देखनी है जहां पे आपको अपना स्मार्टफोन लगाना है और वहां पे लाइट की भी व्यवस्था हमेशा होनी चाहिए। तो सिंपली आपको अपने फोन को रख देना है किसी ऐसी जगह पे जहां से आप अपनी किसी भी चीज को मॉनिटर करना चाहते हो। मान लो आपने उसको मेन डोर पे लगा दिया, रूम के अंदर लगा दिया, आपका कुछ बच्चा छोटा है तो उसको आप देखना चाहते हो कि वो ठीक है नहीं है, या फिर और भी चीजें आप मॉनिटर करना चाहते हो, तो उस जगह पे आपको अपने फोन को लगा देना और कोशिश करनी है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो एरिया है वो कैप्चर करे उस एंगल से जहां आपने अपने फोन को लगाया हुआ है। इसके बाद में आपको वहां पे या तो एक्सटेंशन बोर्ड लगा देना है या फिर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का जो भी बोर्ड वगैरह होता है वो उसके पास में, ताकि आप अपने फोन से चार्जर हमेशा कनेक्ट रख सकें ताकि आपका फोन बीच में कभी भी बंद ना हो। अब देखो इसके लिए आपको दरअसल दो डिवाइसेस चाहिए होंगे। आपका पुराना जो स्मार्टफोन है वो तो आपको रखना है एज अ कैमरा, मतलब आपका जो भी कैमरे में रिकॉर्डिंग होगी वो पुराना वाला फोन करेगा, लेकिन इसी के साथ में आपके पास में एक और स्मार्टफोन होना चाहिए जिसको कि आप एज अ व्यूअर या फिर एज अ मॉनिटर आप इस्तेमाल करोगे। आपका पुराना फोन जो कुछ भी रिकॉर्ड करेगा वो आपको नए फोन पे दिख सके, इसके लिए आपको उसे इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जाना है प्ले स्टोर पे, आपके दोनों फोन्स के अंदर कुछ एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है, मतलब बेसिकली एक एप्लीकेशन होगी। इसके लिए आप एल्फ्रेड यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी कैमरा सीजेड यूज कर सकते हो या फिर सीसीटीवी कैमरा यूज कर सकते हो। तीन एप्लीकेशन मैं रिकमेंड करता हूं, इसके अलावा और भी आपको काफी सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, वो आप डाउनलोड करके अपने दोनों फोन्स में इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद में आपको सेम अकाउंट से अपने दोनों फोन में लॉगिन कर लेना है ताकि आपका जो डेटा होगा वो एक दूसरे डिवाइस में सिंक हो पाए। और सिर्फ इतनी सब चीज़ें करने के बाद में आप अपने फ़ोन को सिक्योरिटी कैमरा की तरह इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो। आपका फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, दोनों फ़ोन आपस में, तो आप अपने फ़ोन को लगा सकते हो उस लोकेशन पे जहां भी आपको उसे लगाना था मॉनिटरिंग करने के लिए, और अपने दूसरे फ़ोन के ऊपर आप पूरा कंट्रोल रख सकते हो। आप वीडियो उस पर प्रीव्यू कर सकते हो कि अभी एक्चुअल में लाइव क्या हो रहा है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां आपने अपना कैमरा लगाया हुआ था, या फिर आप उसके फोटोज़ वगैरह अगर कैप्चर करना चाहते हो रियल टाइम उस लोकेशन के, तो वो भी आप इस एप्लीकेशन के साथ में काम कर सकते हो। इसी के अलावा सीसीटीवी का कैमरा एप्लीकेशन है तो ये बैकग्राउंड में भी आपकी रिकॉर्डिंग चालू रखती है, लेकिन आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, आपको अगर ये सारी की सारी फुटेज अपने फोन पे सेव रखनी है तो यहाँ पे आपके फोन के अंदर अच्छी खासी इंटरनल स्टोरेज या तो होनी चाहिए। अब पुराना फोन है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसके अंदर अच्छी स्टोरेज नहीं होगी, तो इसके लिए आप लगा सकते हैं वहाँ पे एक ज्यादा कैपेसिटी का मेमोरी कार्ड जो कि आपकी सारी फुटेज को स्टोर कर सके। तो इसी तरह से आप अपने पुराने स्मार्टफोन को एज अ सीसीटीवी कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वहाँ पे लाइट प्रॉपर हो और कैपेसिटी के लिए आपके पास में एक अच्छा मेमोरी कार्ड हो। तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वाकई में पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, साथ ही वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ताकि उन लोगों को भी इस तरह की चीजों के बारे में पता चल सके। मुझसे कोई बात वगैरह करना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस इसी तरह से आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।